नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों को जब मैंने ये वीडियो दी ब्रा की कटिंग स्टिचिंग की, तो उन्होंने मुझे 40 साइज़ के लिए कमेंट किया, तो मैं आज आपको 40 साइज़ की कटिंग बता रही हूँ। अगर आपको सिलाई देखनी हो तो नीचे आपको लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्रा की कटिंग स्टिचिंग की फुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 साइज ब्रा पैटर्न कटिंग। तो आप अगर 40 साइज के लिए बना रहे हो तो 40 साइज के लिए आपको क्या करना, देखो 10 स्क्वायर, ये देखिए, ये आप देख सकते हो 10 है, और इस तरफ से भी इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये 10 स्क्वायर 10 का पेपर ले लेते हैं। पहले सबसे पहले पैटर्न बनाए, पैटर्न बनाने से आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो इस तरह से उसका भी ट्रेंगुलर फोल्ड करें, क्योंकि पेपर क्या है, थोड़ा फटता रहता है, इसको जैसे थोड़ा फोल्ड करते हैं ना। इसके बाद में ये जो इसके नीचे की साइड होती है, यहाँ पे हम इसका 10वां भाग लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 4 इंच का लेकर के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को सीधा कर देंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि पैटर्न कटिंग कैसे करते हैं साइज वाइज, क्योंकि मुझे 2 साइज की रिक्वेस्ट आई हुई थी, इसलिए मैं आपको 2 साइज की पैटर्न की जो है वो कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ, मुझे लाइन के अंदर अंदर इसको कट करना है, तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसको इस तरह से ओपन कर लेती हूँ, ये है इसकी जो सेंटर लाइन है। तो यहाँ से आपको इसकी लेंथ करनी है, देखो कि आपको जैसे 8 इंच की ब्रा की लेंथ तैयार रखनी है, तो आप इसको 9 इंच ले, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के आप जो 9 इंच का पॉइंट है ना, वहाँ पर आप इसको पॉइंट कर दें, ठीक है। ये हमारी ब्रा की टोटल लेंथ हो गई है, और क्योंकि सिलाई भी करेंगे, फोल्डिंग होगी, तो 1 इंच चला जाएगा, तो ये 8 ही इंच की तैयार रहेगी। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो इस पर और भी है ऊपर, तो आप थोड़ा ऊपर 9.5 की भी ले सकते हो, 9.5 की आप लेंगे तो ये 8.5 या 8.5 की तैयार हो जाती है, क्योंकि फोल्डिंग करते हैं तो उसमें निकल जाता है वेस्टेज। इसको भी, इस साइड को भी फोल्ड करेंगे, इस साइड को भी फोल्ड करेंगे, ये सिलाई भी लगाएंगे, नीचे जो बेल्ट भी ज्वाइंट करेंगे तो उसमें चला जाता है। अब इस तरफ से आपको देखिए थोड़ा सा सिलाई का छोड़ दें यहाँ पे, और उसके बाद में इसका जो 10वां भाग है वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं 4 इंच पे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। और मुझे चूंकि इसको है ना, जैसे आप इसको इस तरह से सीधा भी रख सकते हो, देखो इसमें एक सिस्टम और होता है, जैसे मुझे यहाँ पे इसको 1.5 ही इंच ओपन रखना है, उसके बाद से मैंने इसको खुला रखना है, यहाँ से मैं इतना ही बंद रखूँगी, मतलब 1.5 इंच ही मुझे बंद रखना है, उसके बाद में इसको ओपन रखूँगी। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सीधा रख लिया है, तो सीधा भी आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से इसको नेक की गोलाई लगानी है, तो आपको ऐसे करना होगा, इसके अंदर ये इसमें मिला दिया, इसमें मिलाने के बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से इसकी गोलाई भी हो जाती है, जो नेक लाइन होता है ना उसकी गोलाई ऐसे भी ली जाती है, ऐसे आप इसकी गोलाई ले लें, ये आपके नेक की गोलाई हो गई। अब आपको इस तरफ आना है, इस तरफ आकर के देखिए ये यहाँ सीधा लीजिए, या फिर आप इसको तिरछा कीजिए, आपको जैसे पसंद हो वैसे करें। यहाँ से तिरछा करने के बाद भी फिर आपको इसको थोड़ा सीधा तो करना ही पड़ता है, तो इसलिए ऐसे आप सीधी भी लाइन कर सकते हो। इसका जो 10वां भाग लिया, उसके बाद आपने इस तरह से लाइन लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए मैं ये थोड़ा सा सिलाई का छोड़ देती हूँ, और इसके बाद चेस्ट का 10वां भाग लिया, ये पॉइंट मैंने लगा दिया। अब इस पॉइंट को लगाने के बाद इसके और इसके बीच में जितना डिस्टेंस है ना, उसका हाफ सेंटर कर लीजिए। जैसे टोटल डिस्टेंस है इसमें 8.5 इंच का, तो यहाँ पे 4.25 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया, ये जैसे 4.25 इंच का हो गया। तो अब आपको इसको इस तरह से लेना, देखो 4.25 इंच पे आपको यहाँ पे ऐसे जाना है, फिर आपको इस पॉइंट को वापस ऊपर में ऐसे मिलाना है, ये इस तरह से बनता है, ये ठीक है ना, इसकी जो गोलाई है वो इस तरह से आती है। तो अब ये भी हो गया है, तो इस पैटर्न को भी मैं कटिंग करके आपको बता देती हूँ, और इसको आपको हाथ से मोड़ के भी बताऊँगी कि ये कैसे दिखता है। तो अब ये साइड हम इसको ऐसे कट कर देते हैं, नेकलाइन साइड को, तो ये मैंने इसको कट कर दिया नेकलाइन साइड को, और इसके बाद इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, और इसके बाद हम नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा है उसको भी ऐसे कट कर देते हैं। बस ये पैटर्न कटिंग हो गया।
अब आपको जो साइड की पट्टी होती है वो भी मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। इससे पहले इसको इस तरह से देख लेते हैं। तो देखिए ये जो होगी आपको ये ऐसे, अब इसमें आपको सिलाई कैसे करनी है वो भी आप थोड़ा सा देख लें। इसमें आपको सिलाई ऐसे करनी है, ये ऐसे पार्ट रखा अपन ने और यहाँ तक इसकी सिलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे इसको ये सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आपको इसको सिलना है। बस इसके बिल्कुल ये जो लाइन हमने मिडिल सेंटर किया ना, इसके बिल्कुल पास पास में आप सिलाई कर लो। बस एक सिलाई लगानी है ऊपर तक, आपको इसको सिलना है। बस ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ से गोल होते हुए और फिर आपको ऊपर तक इसको सिल देना है। सिलने के बाद आपकी जो ब्रा है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। कैसे दिखेगी, देखिए यहाँ पे आप ऐसे ही देख लीजिए, ये इस तरह से, ये जो आपका कप्स है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप दूसरा साइड वाला कप्स ज्वाइंट कर ले और यहाँ पे आप डस्ट लगा करके, डस्ट को आपको कैसे ज्वाइंट करना है, तो जैसे ये बैक साइड की पट्टी है पीछे की, इसको आपको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और डस्ट का एक पार्ट यहाँ पे होगा और स्टिप का और एक यहाँ पे, और उसको आपको ज्वाइंट कर देना है। तो और यहाँ पे ये जो इसकी साइड होती है लास्ट की, यहाँ पे आपको हुक और आई लगा लेनी है, एक साइड में हुक और एक साइड में आई। तो मैंने एक साइड का पार्ट्स आपको इस तरह से दिखा दिया। इसी तरह से दूसरे साइड का पार्ट्स इसके सामने होगा और दूसरे साइड की इस तरह की जो पट्टी है उसके पास में होंगी, तो आपकी जो ब्रा है वो रेडी हो जाएगी। तो ये है 40 साइज के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए कप्स की कटिंग करना, ये इस तरह का कप्स रहेगा, ब्रा का जो कप्स है वो इस तरह का रहेगा। तो कैसी लगी आज की 40 साइज की जो वीडियो है कप्स की कटिंग की, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। ये जो पट्टी है ना, ये मैंने 36 साइज के लिए कटिंग की थी, ये है तैयार होने के बाद 8 इंच की रहेगी। और आप इस साइज के अकॉर्डिंग अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि 36 साइज के अंदर 32 साइज कमर होती है, तो 8 इंच की पट्टी तैयार रखते हैं। टोटल 9 इंच की पट्टी ली है शायद, मेरे को याद नहीं है पूरा, हाँ 9 इंच की ली थी और ये 8 इंच की पट्टी तैयार रहेगी। इसके लिए आप पट्टी ले लें 10 इंच की, तो वो 9 इंच की तैयार रह जाएगी, या 8.5 की तैयार रख सकते हैं। जितना भी आपको तैयार रखना है उतने आप 4 इंच की पट्टी लें और इस तरह की गोलाई लगाएं। यहाँ पे आप ऊपर वाली जो ये पे स्ट्रिप लगाते हैं वो यहाँ पे एक हिस्सा स्ट्रिप का यहाँ पे और एक हिस्सा स्ट्रिप का यहाँ पे लगा लें। तो ये होगी है ब्रा की। और स्टिचिंग के लिए मैं नीचे आपको लिंक भी दे रही हूँ, उसको देख करके आप जो है स्टिचिंग बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और आप अगर हमारे वीडियो देखते आए हैं तो आपको ये कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।